नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, बारिश के मौसम में कई लोगों को सर्दी जुकाम बहुत फ्रिक्वेंटली होता है और कई लोगों को तो इस तरह से होता है कि एक बार का ठीक हो जाता है, वह सिम्टम फिर से रिपीट हो जाते हैं। तो पेशेंट बारिश के मौसम का मज़ा ही नहीं ले पाता और स्ट्रगल करता रहता है अपनी बहती नाक से। तो आज हम बात करने वाले हैं कि बारिश के मौसम में सर्दी जुकाम बार बार क्यों हो जाता है, हमें क्या प्रिकॉशंस लेना चाहिए, इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं और इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके कारणों पर बात करेंगे। इसमें नंबर वन पे ये होता है कि गर्मी के मौसम के बाद जब बारिश का सीज़न आता है तो एनवायरनमेंट या वातावरण में एकदम से टेम्परेचर में चेंज आता है, उसके कारण लोगों को सर्दी या फ्लू की बीमारी हो जाती है। नंबर टू ये होता है कि जिन लोगों का घर या उनका वर्किंग प्लेस जो होता है वो बहुत ही डैम्प एरिया में दी है, सीपेज की समस्या है, पूरे टाइम सीलन या गीला बना रहता है, तो पेशेंट को वहाँ यदि उस कंडीशन में वो ज़्यादा टाइम तक रहता है तो भी उसको ये समस्या हो जाती है। कभी कभी ये भी देखा गया है कि यदि उस एरिया में सनलाइट नहीं आती है, उनके घर के आसपास बहुत सारे पेड़ हैं, तो भी पेशेंट को ये सर्दी जुकाम की समस्या इस मौसम में बढ़ जाती है। नंबर तीन ये होता है कि जो फ्लू है ये बहुत कॉन्टेजियस बीमारी है, तो हमारे आसपास यदि कोई छींकता या खांसता है तो ड्रॉपलेट फॉर्म में इन्फेक्शन वायरस स्प्रेड हो जाता है और वो हमारे शरीर में चला जाता है, उसके कारण भी लोगों को सर्दी जुकाम या फ्लू की समस्या हो जाती है। यहाँ पर अब मैं इसके सिम्टम्स की बात करूँ तो इसमें सबसे जो कॉमन सिम्टम ये होता है कि पेशेंट को रनिंग नोज होती है और साथ साथ उसको वाटरी डिस्चार्ज आँखों से भी निकलता है। इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है, ब्लैंड डिस्चार्ज भी हो सकता है और कभी कभी पेशेंट को जलन भी होती है। और इसमें एक बहुत मार्क सिम्टम ये है कि पेशेंट को सडन ये सिम्टम आना शुरू हो जाएगा। नंबर टू, पेशेंट को इसमें हेडेक बहुत होता है, स्पेशली फ्रॉन्टल हेडेक होता है, रूट ऑफ द नोज़ पे उसको पेन होता है और बॉडी एक भी बना रहता है। पेशेंट को इसमें फीवर आता है ठंड देख के, ये भी इसका एक कॉमन सिम्टम है। चौथा ये होता है कि पेशेंट को सो ना सिर्फ थ्रोट फील होती है, उसको ऐसा फील होता है कि खुजली हो रही है अजीब सी थ्रोट के अंदर, या इचिंग हो रही है, बर्निंग हो रही है, इस तरह के सिम्टम, या पेन हो रहा है, इस तरह के सिम्टम उसको थ्रोट में मिलते हैं। एक चीज़ और देखी गई है कि पेशेंट को कभी कभी ड्राई कफ भी मिलता है और पेशेंट को खांसी भी शुरू हो जाती है। यहाँ पर अब हम इसके होम्योपैथिक ट्रीटमेंट की बात करेंगे। इसमें नंबर वन पर मेडिसिन आती है रोस्टॉक्स। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब किसी कारण से पेशेंट यदि पानी में भीग गया है, बारिश के मौसम में भीग गया है, उसके पैर हाथ गीले हो गए हैं, बहुत देर तक गीला बना हुआ है और उसको सडन सर्दी जुकाम शुरू हो जाता है, साथ में उसको हेडेक होने लगता है, रेड जो नोज़ होती है वो रेड हो जाती है। यदि हाँ, और एक सिम्टम और है, यदि उसको थ्रोट में भी सोनेस और इचिंग की समस्या शुरू हो जाती है और ये सब कन्वर्ट हो सकते हैं फीवर के साथ भी हो सकता है। यदि इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो रोस्टॉक्स 30 बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, यदि किसी को भी बारिश से वो भीग के आया है और उसको सर्दी हो रही है तो आप रोस्टॉक्स दे सकते हैं, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। इस कड़ी में दूसरी मेडिसिन है नेट्रम सेल्फ। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब चेंज ऑफ वेदर के कारण एकदम सुबह, कई बार दिन में क्या होता है, दिन गर्म होते हैं, रातें ठंडी होती हैं, एकदम चेंज ऑफ वेदर होता है, उसके कारण पेशेंट को छींकें आने लगती हैं, खांसी होने लगती है, कभी कभी नाक से पतला पानी या थिक नेजल डिस्चार्ज भी निकल सकता है और आँखों से भी पानी आने लगता है, तब इसमें नेट्रम सेल्फ बहुत अच्छा काम करती है। बस चेंज ऑफ वेदर यदि आपको लगता है कि ये बन रहा है, सुबह बहुत दिन में बहुत गर्मी है और रात को ठंड है, तो ये मेडिसिन बहुत अच्छा काम करेगी। इसमें नंबर तीन पर मेडिसिन होती है एलियम सीपा। यह मेडिसिन हम पेशेंट को तब देते हैं जब पेशेंट को खूब रनिंग वाटर हो रहा है, बस पूरा टाइम वो नाक को ब्लो कर रहा है, नाक साफ कर रहा है और साथ में उसको आँखों से भी थोड़ा सा बर्निंग वाला पानी निकल रहा है, तब एलियम सीपा बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों, इस कड़ी में नंबर फोर पर मेडिसिन है जैल्सीमियम। इट्स अ वेरी वेरी ग्रेट रेमेडी फॉर जनरल फ्लू।
जब भी पेशेंट को फ्लू के सारे सिम्टम्स मैच कर रहे हैं तो जलसीमियम बहुत अच्छा काम करेगी। इसमें 3D बहुत मार्क्ड होते हैं, डलनेस, डिजीनेस, ड्राउजीनेस। इस पेशेंट को बहुत डल फील होता है, पूरा मेलेज होता है, पूरी बॉडी में उसको पेन होता है, उसको छींकें आएंगी, उसको नाक से पानी आएगा। यदि इस तरह के फ्लू के सारे सिम्टम्स मिलते हैं तो जलसीमियम 30 का बहुत अच्छा रोल है यहाँ पर। इसमें एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि हाउ टू डील विद द फ्लू एट होम ओनली विदाउट टेकिंग एनी मेडिसिन। एक्चुअली होता क्या है कि फ्लू के जो सिम्टम्स होते हैं, यदि किसी को कोई मेजर प्रॉब्लम, मेजर कॉम्प्लिकेशन नहीं है, दमा जैसी या टीबी जैसी या कोई एलर्जिक रिनाइटिस जैसी, तो इस तरह का फ्लू अपने आप ही 3 से 4 दिन में ठीक हो जाता है। पर बात शर्त है कि आप कुछ बातों का ध्यान रखें, जिसमें नंबर 1 ये है कि पेशेंट को 4 से 5 दिन तक, जब तक कि सिम्टम सबसाइड न तक, उसको आराम करना है। नंबर 2, हेल्दी डाइट लेना है, वाटर का इंटेक अच्छा रखना है। यदि आपको सोर थ्रोट की समस्या भी साथ में है तो आप गुनगुने पानी की गरारे कर सकते हैं या हल्का ल्यूकवॉर्म वाटर भी ले सकते हैं। अपने कमरे को सूखा रखना है, कहीं भी डैम्प वेदर में नहीं रहना है। आपको कोशिश करना है कि आपके आसपास का वातावरण सूखा हो, सनलाइट में बैठ सकते हैं तो और भी अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। और कोशिश कीजिए कि लोगों से थोड़ी दूरी बना के रखें, क्योंकि यह एक कॉन्टेजियस बीमारी है, तो घर के लोगों को भी आपसे स्प्रेड हो। दोस्तों, यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आपके फ्लू की समस्या को समझने में, ठीक करने में हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, माई चैनल। थैंक यू।